mí मेरे को बाजू खत ऐसा दिखता है कि लड़कों को अपने अपने कम्युनिटी में सर चढ़ा लेते हैं। जैसा कि जैसा आई रिमेम्बर कि मैं भी जब छोटी थी आप बोलते थे, मतलब जब शादी होने लगी थी आप बोलते थे कि मियाँ गुस्से में आया तो खामोश हो जाना, उसके गुस्से को बर्दाश्त करना, उन्हें जो करे उसको मतलब हाँ में हाँ मिलाना, उसके रंग में रंग जाना। तो मतलब उसका ही उसकी पूरी मतलब इंसाइक्लोपीडिया पढ़ाते बच्चियों को, मतलब मासूम बच्चियों को ये समझाते कि करने दो, जो कर रहा है करने दो, तो उन्हें कुछ भी कर सकता। आप उसकी खिदमत करते रहो, उन्हें दूसरी शादी कर सकता, आप और खिदमत अरे करो उन्हें नहीं, तीसरी कर सकता, और खिदमत करते रहो चौथी भी कर सकता, उन्हें जो चाहे कर सकता, और आप सिर्फ सबर। नहीं, वो तो अहकाम है, खुदाबंदी, उसको खुद खुदा इजाजत दिया है चार करने की। ठीक है, वो दूसरी बात है, मगर बाज मर्द इसका नाजायज अरे फायदा उठा, उठा रहे बिल्कुल सही। इस्लाम की ये दूसरी चीजों जरूरी को। नहीं है कि लड़कियां खराब होती हैं, लड़के भी खराब रहते हैं। अच्छी खराब वो की बात नहीं है, इंसाफ की बात है, हाँ बिल्कुल नहीं, बिकॉज अच्छे नहीं बाज लोग रहते। इस्लाम की दूसरी चीजों को नहीं देखते मगर इसको जरूर पकड़ हाँ लेते। मतलब किस सिचुएशन में आपको ये करना जायज है? चलो आप अपने से बड़ी उम्र की औरत को कर रहे हैं, आप अपने से कोई मजबूर है उसको कर रहे हैं, कोई ऐसा सिचुएशन है, आप यू नो आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं आप कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है, मगर यहाँ तो एक खेल बना लिए और आप दूसरे काम नहीं करते, आप यू नो दूसरे इस्लाम की चीजों को फॉलो नहीं करते। मगर बोलने का मतलब यह है, हर चीज औरत क्यों सबर करे? मतलब कोई आसान बात नहीं है कि आपका मियाँ दूसरी को लाए और आप उसको नहीं नहीं बर्दाश्त करें। नहीं तो नहीं बोलने का मतलब ये है कि मेरे को ऐसा लगता कि बाज आदमी इस चीज का नाजायज फायदा बिल्कुल उठा रहे सही हैं। बोल, बिल्कुल सही बोल रहे तुम। इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और अपनी खुशी पूरी करते हैं। मगर कभी भी कोई लड़का अगर दूसरी शादी करा, कभी खुश नहीं रह सकता। उन्हें ये दूसरी को समझती नाराज करके बस, ये उसको नाराज करे तो इन्हें नाराज होती, उसको खुश करे तो उन्हें नाराज होती, उसकी जिंदगी तबाह है। बिकॉज जैसा सरकार फरमाए थे बराबर का प्यार करो, वो तो नामुमकिन है ऐसा देखे तो। हाँ हाँ बराबर, खैर नहीं, उसके अलावा भी अम्मी मतलब मेरे को ऐसा दिखता हर चीज का इल्जाम औरत पे दिया जाता। यू नो उन्हें संभाल सकती थी, उन्हें बर्दाश्त कर सकती थी, उन्हें अच्छी रह सकती थी, वो चाहे मियाँ कुछ भी कर ले, उन्हें अपने मर्जी का मालिक है, उसको अम्मा बहना दुनिया पूरे यू नो मतलब उसके ही साइड रहते। हाँ वो तो रहते तो हैं। फिर ये मतलब ये जैसा अमेरिकन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरी सोसाइटी बेटर है, अपना बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छे वो है, मगर बैलेंस नहीं है। आप भी समझती हैं बात? सही है, ठीक है। हर एक लड़के लड़कों में भी बाज खराब रहते हैं, लड़कियों में खराब रहते हैं, अब कोई बोल नहीं सकते। मगर जीता चाहे अवॉइड करके अपनी दोनों मिलके जिंदगी बना सकते हैं। मगर मैं एक और चीज़ ये भी समझती हूँ कि जैसा अपनी बच्चियों को अपने माँ बाप या जो आजकल की जैसा औरतें हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, इंस्टेड ऑफ जैसा बिल्कुल यू नो जैसा आप बोलते थे 20 साल के नहीं होना, 16 साल में शादी कर दो, 17 साल में शादी कर दो, ऐसा आई डोंट थिंक करना चाहिए। एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है, एटलीस्ट अपने पाँव पे ठहरो। कल को अगर आदमी दूसरी ला लिया, तुमको छोड़ दिया, तो वो बच्ची किधर जाएंगी? यू सही नो है। तो इतना तो अपनी कम्युनिटी को अपने बच्चों को नहीं, समझाना कम से चाहिए, कम उसके पास डिग्री हो ताकि वो कुछ अपने कमाए कुछ अपने, कमा के अपनी जिंदगी संवार सके, किसी की मोहताज ना हो, फिर किसी के ऊपर बोझ ना बने। वो सही है। ठीक है, वो सही है। मगर ये नहीं बोल सकते लड़कियां खराब हैं। लड़कियों में बाज लड़कियां खराब रहती हैं, बाज लड़के खराब रहते हैं। अम्मी खराब तो अच्छे की बात नहीं है, आई थिंक मतलब पर्सनालिटीज और कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाता है ना, मतलब तो इट डिपेंड्स कि आपका अगर तरीके अलग है, सोच अलग है, माहौल अलग है, खानदान अलग है, पहले जमाने में ऑब्वियसली ऐसा था, एक लड़की को लड़के से मिलने नहीं देते थे। माँ बाप पसंद करके बुला के उससे बात करके डिसाइड करते थे। डिसाइड करके शादी करते थे।
आजकल तो इतना है कि खुद मिला के बात करा के दोनों को फिर टेलीफोन पे इजाज़त देते हैं कि बात करो, और इजाज़त तो ले के माँ बाप से कोई होटल में ले जाके खाना खिलाता है, फिल्म देखते हैं, यानी आज़ादी से इजाज़त देते, शराफत से वो दोनों जाते हैं तो एक दूसरे की तबीयत से वाकिफ होते नहीं हैं। होते हैं मी बरसों लग जाते तो भी आप एक दूसरे वो अब एक्टिंग भी कर सकते हैं और डेट पे सब अच्छे रहते हैं। मगर बोलने का मतलब है यस, सब्र की बहुत ज़रूरत है, मगर सब्र दोनों तरफ से। मेरा बोलने का पॉइंट ये था कि सब्र सिर्फ चाहे वो माँ हो या सास हो या ननंद हो या भावज हो या सहेली हो, आपसे ही सब्र एक्सपेक्ट करते, आदमी से कोई सब्र एक्सपेक्ट नहीं करता। आदमी से कोई मतलब ऐसा लगता है उसको ढीली डोरी है, उन्हें जो चाहे। नहीं जी, तुम्हारा ख्याल है। नहीं जी, सही बोल रही हूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बाबा ऐसा नहीं थे तो सब समझाते हैं माँ बाप अपने लड़का, अगर ऐसा हो शक्की रहते हैं बस तो साफ बोलते हैं शक्की है ये, ऐसा मत बैठो, उन्हें आया तो ऐसा मत करो, तुम अंदर जाओ। वैसे शक्की मर्ज से जिंदगी बसर करने के बदल तलाक लेके दूसरा करना अच्छा है। अरे इतना खराब रहता, जिंदगी अजाब रहती उसकी, सिवाय रोने के लड़की को कुछ नहीं रहता। नहीं वैसे तो बहुत अच्छे बुरे आदमी आ रहते हैं हर टाइप। नहीं अच्छे रहते मगर शक्की, शक्की औरत भी शक्की रहती मगर उसको परवाह नहीं रहती। औरत शक्की कर कहाँ जाके आए, क्यों आए, इतनी देर से कहाँ, उन्हें बोलता करता ठीक हो जाते, मगर उन्हें अच्छा रहता, मगर शक्की शक करती। मगर मर्द अगर शक करा तो तबाह है उसकी जिंदगी। सही, अच्छा, मैं शुक्रिया आपकी बातों का